नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाईपास टीओपी का डीएम और एसएसपी ने किया उद्घाटन, क्राइम और जाम पर लगेगा विराम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर संवाद गोष्ठी का हुआ आयोजन, अधिकारियों ने बेटियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की दी जानकारी। 8 सूत्री मांगों को लेकर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने दिया धरना, मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल की दी चेतावनी। एनआरसी और सीएए के विरोध में 21 दिसंबर को राजद ने किया बिहार बंद का ऐलान, समर्थन में आए कई संगठन। और डांस भागलपुर डांस का ग्रैंड फिनाले हुआ आयोजित, प्रतिभागियों के नृत्य ने मोहा दर्शकों का दिल। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में नवनिर्मित बाईपास पर लगातार हो रहे हादसे और ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर बुधवार को अस्थायी टीओपी का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार एवं एसएसपी आशीष भारती ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, सदर एसडीओ आशीष नारायण, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह, ट्रैफिक डीएसपी आरके झा सहित काफी संख्या में पुलिस जवान एवं गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं एसएसपी ने कहा कि टीओपी पर 19 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जो लॉ एंड ऑर्डर, अपराध नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। वहीं डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि टीओपी के शुरू होने से घटना दुर्घटना पर अंकुश लगेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि टीओपी के समीप ही काफ़ी सरकारी जमीन है, जिस पर बस स्टैंड बनवाया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। बुधवार को भागलपुर डीआरडीए सभागार में आयोजित संवाद गोष्ठी में सभी समुदाय के धर्मगुरुओं ने शिरकत की। इसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी प्रणव कुमार, एसएसपी आशीष भारती, अपर समाहर्ता राजेश झा राजा, सहायक समाहर्ता सदर एसडीओ आशीष नारायण, शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, अहमदिया समुदाय के मौलाना नवेदुल फतह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। संवाद संगोष्ठी में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बेटियों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। डीएम ने कहा कि लैंगिक अनुपात में बढ़ते अंतर को समाप्त करने के उद्देश्य से एक समग्र भागीदारी वाले सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई है। वहीं एडीएम राजेश झा राजा ने कहा कि केवल सरकार के प्रयास से बेटी नहीं बचाई जा सकती, बेटियों की सुरक्षा के लिए सभी समुदाय के धर्मगुरुओं को आगे आना होगा। संगोष्ठी में आईसीडीएस की अर्चना कुमारी ने धर्मगुरुओं से राष्ट्र अभियान में जुड़ने की बात कही। वहीं शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा और फादर जॉन ने धर्मग्रंथों का हवाला देते हुए बेटियों को सम्मान देने की बात कही। मौके पर कई अधिकारियों और धार्मिक विद्वानों ने सरकार के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। इसके बाद कलाकारों ने सभागार परिसर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर गीत गाकर समाज में बेटियों का महत्व बतलाया। मौके पर जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी राहुल कुमार समेत कई अधिकारी और बुद्धिजीवी मौजूद थे। 8 सूत्री मांगों को लेकर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने बुधवार को भागलपुर जिला मुख्यालय परिसर में धरना दिया। धरना पर बैठे जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी। संगठन के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद यादव ने कहा कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पोस मशीन लगाने के पूर्व डीलरों को 30,000 रुपया मानदेय या 300 प्रति क्विंटल की दर से खाद्यान्न पर कमीशन दिया जाए। वहीं उपाध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह और अंसार जंग खान ने कहा कि सरकार जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों से 3 व्यक्ति का काम ले रही है और कमीशन में कटौती कर रही है। अध्यक्ष ने दूसरे राज्य की भांति डीलरों को सुविधा मुहैया कराने की मांग की। मौके पर एसोसिएशन के महासचिव चंदन कुमार सिंह, अहमद खान, अरविंद चौधरी, रेवती प्रसाद, अभिनंदन यदुवंशी समेत कई लोग मौजूद थे। मेरा मांग है, यह 8 सूत्री जो कार्यक्रम है उसके तहत सरकार से यह लंबित मांग है कि 30,000 रुपया वेतन मानदेय या 300 रुपया क्विंटल कमीशन और 3 रुपया लीटर कमीशन, और सरकार आज तक यह लंबित मांग 40 वर्षों से लटका के रखे, जबकि सरकार ने आशा बहाल किया, न्याय मित्र बहाल किया, शिक्षा मित्र बहाल किया, जिसको कि 1500 रुपया देता था, और आज सरकार उनको 20,000 रुपया दे रहा है।
ये गुजारिश है कि हम लोग को मानदेय देना चाहिए, एक खिचड़ी बनाने वाले को भी वेतन है, और सरकार ने ये नया डीलर का बहाली करके महिला को जो 35% में बहाली किए हैं, तो कम से कम ये सोचे हैं कि इनके साथ खटने वाला कौन है। अगर अभी आप नॉमिनी में दो आदमी का नाम दे रहे हैं, एक महिला के साथ अकेले तो वो बोरा नहीं उठाएगी ना, वो स्टाफ रखेगी, वो कहां से पूर्ति करेगी यदि आप मानदेय नहीं देंगे तो। कैब और एनआरसी के विरोध में राजद ने 21 दिसंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है, जिसको लेकर बुधवार को कचहरी परिसर स्थित होटल में राजद नेताओं ने बैठक की। बैठक की अध्यक्षता राजद जिलाध्यक्ष डॉक्टर तिरुपति नाथ यादव ने की। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिहार बंद से पूर्व नुक्कड़ सभा, मशाल जुलूस एवं जनसंपर्क अभियान गुरुवार से चलाया जाएगा और लोगों को बिहार बंद में शामिल होने की अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बंदी शांतिपूर्ण रहेगी। बैठक के पदाधिकारियों की राष्ट्रीय जनता दल के, दरअसल पिछले दिनों 9 तारीख को लोकसभा में और 11 तारीख को राज्यसभा में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था और जिस पर अब राष्ट्रपति का मुहर भी लग चुका है, उसके और एनआरसी के खिलाफ में राष्ट्रीय जनता दल जो लगातार 11 तारीख से नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में पटना से जो शुरुआत उसका विरोध का किया है, उसी सिलसिले में आगामी 21 दिसंबर को बिहार बंद का आह्वान किया गया है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं भागलपुर में कई संगठन के लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। नए कानून के खिलाफ बुधवार को साजंगी मेला मैदान में संविधान बचाओ देश बचाओ समिति की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान मौलाना खुर्शीद अनवर, मौलाना फारूक आलम अशरफी, मौलाना अताउल रहमान, मौलाना नाजरी नजर, वर्दी खान और डॉक्टर बिमल कुमार बिमल ने CAA को संविधान के खिलाफ बतलाया और मोदी सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। उलेमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 23 दिसंबर को होने वाली विशाल जनसभा की भी जानकारी दी और सभी समुदाय के लोगों से एकजुट होने की बात कही। मौके पर मोहम्मद मेराज, आजम चिश्ती, इंजीनियर अब्बुल हसन, डॉक्टर तबरेज समेत कई धर्मगुरु और समाज सेवी मौजूद थे। अभी चंद दिनों पहले CAB नाम से एक बिल आया था जो अब CAA हो गया, यानी ये कानून बन गया। ये काला कानून है और आईने हिंद, दस्तूर हिंद, संविधान हिंद को की बुनियाद को खोखला करने की मुनज्जम साजिश है। कानून और बिल लाया जाता है इसलिए ताकि समाज का भला हो, लोगों का भला हो, लेकिन अगर किसी ऐसे बिल से लोगों में दरार आ जाए, लोगों को नुकसान हो जाए, तो हुकूमत उस बिल को वापस भी ले सकती, पास करना भी उन्हीं का काम है और बिल को वापस लेना भी उन्हीं का काम है। तो अगर ये पास हो गया है जल्दबाजी में ये बिल, तो हम एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते अपने सदर जमहूरिया से, माननीय वज़ीर आज़म से, वज़ीर दाखिला से ये अपील करते हैं। और जो संविधान है उसके प्रस्तावना में साफ साफ धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में, और ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है यह इस देश के संविधान की आत्मा है और उसमें छेड़छाड़ का किसी को इजाजत नहीं है। कानून में आर्टिकल 14 में साफ साफ प्रावधान है समानता का अधिकार, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अवेलेबल फॉर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। कानून के अंदर जो छेड़छाड़ किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को कानून में छेड़छाड़ करने का हक नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी लोग हैं, सब को कानून में बराबर का दर्जा है और सबको अपने अपने धर्म की आज़ादी है। बड़े ढंग से कानून हिंदुस्तान का बना, लेकिन आज मौजूदा सरकार टाइम टू टाइम इस तरह का काम करती चली आ रही है जो बिल्कुल संविधान खोखला होता चला जा रहा है और हिंदुस्तान के संविधान का जो गरिमा था उसका तार तार हो रहा है। भागलपुर के टाउन हॉल में बुधवार को डांस भागलपुर डांस का ग्रैंड फिनाले हुआ, जिसका उद्घाटन डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, समाज सेवी प्रशांत विक्रम, भाजपा नेता स्वनी जोशी मोंटी और डांस भागलपुर डांस की आयोजक अनिता अनवर ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया, जिसके बाद मौजूद अतिथियों को अनिता अनवर ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया।
कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। ग्रैंड फिनाले में प्रतिभागियों के द्वारा एक से बढ़कर एक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी गई, जिसका मौजूद लोगों ने जमकर आनंद उठाया। अनिता अनवर ने बताया कि भागलपुर के बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें सिर्फ निखारने की, जिससे बच्चे अपनी प्रतिभा के बल पर शहर का नाम देश दुनिया में रोशन कर सके। ग्रैंड फिनाले को होस्ट आरजे आदर्श ने किया, जबकि जज की भूमिका विवेक रजक ने निभाई। कार्यक्रम को सफल बनाने में मिस्टर बॉबी एवं उनकी टीम के द्वारा सराहनीय प्रयास किया गया। वहीं शो के स्पॉन्सर भी आयोजन से काफी खुश नजर आए। यहाँ आज टाउन हॉल में डांस भागलपुर डांस का फिनाले होने जा रहा है, जो कि पूरे बिहार के बच्चे आए हैं और पूरे जो सेमीफिनाले में 44 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है और वो बच्चे अपनी अपनी टैलेंट यहाँ दिखाएंगे और उसमें से हर कैटेगरी में जूनियर सीनियर और डुएट और ग्रुप डांस से हर कैटेगरी में हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना है। उसके बाद हर कैटेगरी में जो फर्स्ट होगा उसके बीच बैटल करवा के एक विनर होगा और उस विनर को 15,000 का कैश प्राइज है। भागलपुर डांस डांस का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें अनिता अनवर जी और काफी दुनिया जी हैं जो इस प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं, काफ़ी मेहनत के साथ काफ़ी लगन के साथ प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं और अच्छा लग रहा है। एक दो शाम में बच्चे ने इंजॉय किया आज और एक अच्छा परफॉर्मेंस बच्चे ने दिया। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर। 23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी रिसेप्शन पार्टी एवं अनेक आयोजनों में चार चांद लगाने को तैयार। शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए। मान्यवर बैंक्वेट हॉल, खुशियां बांटें अपनों के साथ। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के आते ही तिवतन पोटाला मार्केट भागलपुर के तिलकामांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर में खुल चुका है। यहाँ हर तरह के गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, साल, कंबल, टोपी, मफलर उचित कीमत पर उपलब्ध है। महिला, पुरुष एवं बच्चे के लिए बेहतरीन क्वालिटी एवं एक से एक डिजाइन में गर्म कपड़ों की रेंज उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही चले आइए तिवतन पोटाला मार्केट तिलकामांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टीएनबी लॉ कॉलेज में एडमिशन नहीं होने से नाराज छात्रों ने बुधवार को कॉलेज परिसर में प्राचार्य संजीव सिन्हा का पुतला दहन किया। इस दौरान छात्रों ने नामांकन में धांधली का आरोप लगाते हुए प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रा मेघा सिंह ने बताया कि स्पोर्ट्स कोटा में होने के बाद भी उनका एडमिशन नहीं लिया गया। जब इसकी शिकायत प्राचार्य से की गई तो उन्होंने सभी छात्रों को विश्वविद्यालय भेज दिया।
वहीं अभिषेक आनंद ने कहा कि नामांकन में काफी धांधली की गई है। कम अंक वाले छात्रों का नामांकन लिया गया, जबकि अधिक अंक के बावजूद कुछ छात्र नामांकन से वंचित रहे। जो एडमिशन के लिस्ट निकाला गया था उसमें हम लोगों ने बहुत जगह पर धांधली के पाए हैं। जैसे कि कुछ विद्यार्थी का हम लोगों ने देखा कि 41% वगैरह स्टूडेंट का नामांकन हो गया है और वो जनरल कैटेगरी से आते हैं, जबकि BC1 या BC2 में हमने देखा कि 58% या 60% लाने वाले छात्रों का नामांकन नहीं हुआ है। तो हम लोग कॉलेज प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो ज़रूरतमंद छात्र जिनको कि ज़्यादा अंक मिला है उनका नामांकन जल्द से जल्द। यहाँ एडमिशन लेने आए थे स्पोर्ट कोटा के थ्रू, पर स्पोर्ट कोटा का हम सब कुछ भरे थे पर मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया और यहाँ पर हम कंप्लेंट करके आए अपना, लेकिन यहाँ पे वो प्रिंसिपल मुझे हटा दिए, बोले जॉय यूनिवर्सिटी वहाँ होगा, पर ऐसा कुछ भी कार्रवाई नहीं किया गया। मेरा मांग ये है कि मेरा लिस्ट में नाम आए, मेरा एडमिशन हो, क्योंकि हम स्पोर्ट कोटा से हैं और वो एक अलग कोटा होता है जिसमें किसी का भी उसमें कोई लेना देना नहीं है। अरे लड़कों का कहना है कि कम परसेंटेज वाले का हो गया बिहार में रिजर्वेशन में, तो झारखंड के लड़के थे BC के, उनको रिजर्वेशन यहाँ बिहार में नहीं है एडमिशन, यही प्रॉब्लम हम बता दिए, दिखा दिए थे, सब कन्विंस भी हो गए। जो जिनका रिजर्वेशन किसको मिलेगा, जो नियम है वही के अनुसार मिलेगा रिजर्वेशन, सबको तो नहीं मिलेगा। भागलपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा दल की ओर से NRC को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो, परिधि के उदय, समाजसेवी अनुल होदा, रिजवान खान, वसुदेव भाई समेत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून और NRC के निहितार्थ पर चर्चा की। जमीयत उलेमा हिंद के परमंडलीय प्रभारी मौलाना फारूक नदवी ने नए कानून पर आपत्ति जाहिर की। मौके पर राष्ट्रीय सेवा दल के कई सदस्य मौजूद थे। भारत सरकार जो NRC लाना चाहती है और कैब के बहाने जो दिक्कत रही है उसको लेकर लोग ये समझना चाहते हैं कि NRC क्या है और कैब क्या है, इससे भारत को क्या हानि है, भारत को क्या लाभ है, इसकी क्या संभावना है। आंदोलन जो देश में हो रहा है वो सही दिशा में है या गलत दिशा में है, हम आंदोलन करेंगे तो कैसा आंदोलन करेंगे। ये राष्ट्र सेवा दल की ओर से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और NRC पर एक चर्चा गोष्ठी रखी गई है, इसका निहितार्थ यानी भारत की संस्कृति सद्भाव की रही है, धर्मनिरपेक्षता की रही है और हमारे आज़ादी आंदोलन का मूल्य यही सद्भाव था, हिंदू मुसलमान सब लोग मिल के लड़े थे। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया फ्रंट के तत्वाधान में बुधवार को एक दिवसीय जिला स्तरीय हड़ताल एवं धरना जिला अधिकारी कार्यालय गेट के सामने दिया गया। धरना पर बैठे रसोइयों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज करने की बात कही। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव राम कृपाल ने कहा कि जिला में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों का मानदेय 8 महीने से बकाया चल रहा है। सरकार खाना बनाने वाले रसोइयों को मामूली मानदेय देती है और साल में सिर्फ 10 महीने का ही मानदेय दिया जाता है, इसके बाद भी रसोइयों को 8 महीने 6 महीने के बाद 2 महीने का बकाया मानदेय मिलता है। उन्होंने कहा कि समय पर मानदेय नहीं मिलने के कारण रसोइया भुखमरी की शिकार हो रहे हैं। वहीं धरना पर बैठे सदस्यों ने कहा कि रसोइयों का सारा बकाया मानदेय 1 हफ्ते के अंदर भुगतान हो, यही मांग को लेकर हड़ताल किया गया है। मौके पर कंचन देवी, मुंशी सिंह, राम कृपाल, गुड़िया कुमारी समेत कई रसोइया मौजूद थे। आज की बैठक इसलिए किया गया है कि यहाँ भागलपुर में रसोइयों का बकाया मानदेय 8-8 महीना से चल रहा है, पिछले साल का भी इनका पैसा नहीं मिला है। रसोइयों को बहुत ही मामूली मानदेय मिलता है, महीना में 1500 रुपया मिलता है, साल में 10 ही महीने का मिलता है, उसके बाद भी रसोइयों को 8-8 महीना 6-6 महीना 9-9 महीने के बाद 2 महीने का मानदेय मिलता है, 1 महीने का मानदेय मिलता है, जिसके कारण भुखमरी का शिकार हो जा रही है। हम लोग इसलिए बैठक कर रहे हैं सर कि हम 12 महीना का वेतन खोज रहे हैं, बाकी पैसा हम लोग को महीना महीना आता नहीं है, 12 महीना का हम लोग वेतन लेंगे और 10,000 से हम लोग कम नहीं लेंगे, हम लोग दिन दिन भर खटते हैं सर, इसलिए हम लोग आज बैठक किए हैं। हम सब रसोईया बहन आज धरना प्रदर्शन यहाँ DM के आगे जो किए हैं कलेक्टर के सामने, यह हमारी मांगें पूरी करने के लिए है, हमारी यह जायज मांगे हैं जो कि सरकार पूरी नहीं कर रही है। सरकार हमें 10 महीना के बजाय 12 महीना का वेतन चाहिए, हमारे घर में भुखमरी है, 1500-1200 से काम नहीं चलता, मेरा घर नहीं चलता है, मेरा परिवार नहीं चल रहा है, मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई में बाधित है। भागलपुर ललमटिया थाना क्षेत्र के नसरत खानी में पुरानी रंजिश को लेकर अपराधियों ने पंकज मंडल को गोली मार दी।
घटना में पंकज मंडल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए परिजनों ने मायागंज अस्पताल में भर्ती करवाया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम पंकज मंडल अपने घर पर था, तभी दिग्घी निवासी नंदा मंडल, राहुल मंडल एवं उनके सहयोगियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घटना में पंकज मंडल के बाएं पैर में गोली लग गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे ललमटिया थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश ने स्थानीय लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली। साथ ही पुलिस आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। अच्छा। मतलब कि गेट पर तुरंत से साथ में हम थे, लेकिन खाली गेट का मुड़की घुमाया है इधर। मतलब की कारण था कि उसका भाई का, नंदा का भाई का मर्डर हुआ था। कब हुआ था? एक डेढ़ साल पहले। क्या नाम था हमारा नाम? उसका नाम था सार्जन मंडल। हाँ। उसमें हमारा नाम दिया था वो, उसका पत्नी। हम जेल से निकले थे इधर 22 नवंबर को। उसी मामले में? हाँ, उसी मामले। अच्छा। पुलिस जिला नवगछिया के NS 31 झंडापुर के समीप दो यात्री बसों के बीच सीधी टक्कर हो गई। घटना में एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जिसे स्थानीय ग्रामीण एवं पुलिस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से भागलपुर आ रही बस एवं भागलपुर से सिल्लीगुड़ी जा रही दोनों बसों के बीच NS 31 बगड़ी के समीप जोरदार टक्कर हो गई। वहीं घटना में दोनों बस भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कहलगांव अनुमंडल के सनहौला नालंदा मुख्य मार्ग पर यात्रियों से भरी ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में एक महिला की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि चार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों ने ऑटो से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक महिला की पहचान बनियाडी निवासी मोहम्मद इसाहक की पत्नी खुर्शीदा खातून के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बिना नंबर प्लेट की ऑटो यात्रियों को लेकर सनहौला से बनियाडी की ओर जा रही थी। इसी दौरान सरकंडा के समीप ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद यात्रियों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग जुट गए और सभी घायल यात्रियों को बाहर निकाला। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने ऑटो को जब्त करते हुए मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाईपास टीओपी का डीएम और एसएसपी ने किया उद्घाटन, क्राइम और जाम पर लगेगा विराम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर संवाद गोष्ठी का हुआ आयोजन, अधिकारियों ने बेटियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की दी जानकारी। 8 सूत्री मांगों को लेकर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने दिया धरना, मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल की दी चेतावनी। एनआरसी और सीएए के विरोध में 21 दिसंबर को राजद ने किया बिहार बंद का ऐलान, समर्थन में आए कई संगठन। और डांस भागलपुर डांस का ग्रैंड फिनाले हुआ आयोजित, प्रतिभागियों के नृत्य ने मोहा दर्शकों का दिल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।